दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि पहली बार में तो आयसर 557 की ट्रॉली फंस गई थी। इस बार देखते हैं कि ये ट्रैक्टर अपने आप निकाल पाएगा ट्रॉली को या नहीं। रास्ता देख सकते, अब देखने में तो सूखा लग रहा है, लेकिन नीचे से गीला है रास्ता और खेत में अपना खाद जाना है। रास्ते में नीचे दलदल है और इससे ट्रॉली थोड़ी नीचे बैठ जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा मजबूत हो गया रास्ता, पक्का हो गया, क्योंकि पहली ट्रॉली निकल चुकी थी। इस बार फिर से ट्राई करते हैं। दोस्तों ट्रॉली भी ओवरलोड है, गीला खाता है, तो वजन भी है ट्रॉली में, ये नहीं है कि हल्की ट्रॉली है। बैठी जरूर, लेकिन ट्रैक्टर ने ताकत दिखाकर फेंक दी ट्रॉली। दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा दूं ट्रॉली कितनी बैठ के आई है। रास्ता भी थोड़ा हल्का है, कच्चा है रास्ता। दोस्तों इसके बाद एचडी भी आ रहा है, एचडी का भी दिखाएंगे कि एचडी भी अपने आप निकल पाएगा या क्या करेगा। दोस्तों देख सकते हैं, पहली बार भी ट्रॉली यहीं पर फंसी थी, और इस बार भी पहिया यहीं पे नीचे बैठ के चला है, जबकि एचडी की ट्रॉली आराम से निकल गई थी। 557 की ट्रॉली में वेट भी ज़्यादा है और खाद भी ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी ट्रॉली फंस के निकलती है। दोस्तों एचडी भी आने वाला है, एचडी को भी देखते हैं। दोस्तों खेत में ईख की तैयारी हो रही है, पहले गोबर का खाद डलेगा, उसके बाद इसको फैलाएंगे, उसके बाद फिर जुताई होकर खेत को पानी दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद इस खेत में ईख की बुआई होगी। दोस्तों एचडी भी आ चुका है, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 557 बढ़िया लगा है एचडी, क्योंकि पावर में भी अंतर है, वेट में तो आप थोड़ा ही अंतर मान सकते हैं। दोनों ट्रैक्टर थर्ड लो में है, पहले जो 557 था वो भी थर्ड लो में आया था, और ये भी थर्ड लो में है। दोस्तों एचडी भी उठ के निकला है, लेकिन निकाल दी ट्रॉली। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सा ट्रैक्टर पसंद आया, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।